अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपकी मेज़बान नाजमा हाजिर खिदमत हूँ लेकर इस खास सीरीज का और एक शुमारा, कोविड-19 से मुकाबले के लिए योगा की अफादियत। आप सभी नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा तंदरुस्ती बहुत बड़ी नियामत है। जी हाँ, इस खास मौके पर, इस खास मुश्किल दौर में जो है इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि तंदरुस्ती और भी बहुत बड़ी नियामत बन जाती है। जरूरी हो जाता है कि हम इसका ज्यादा ख्याल रखें, लेकिन ये उतना मुश्किल ही है क्योंकि इस वक्त पे जो है कोरोना वायरस से हम अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि हम मुतल्लिकीन को दावत दें, उनसे बात करें और वो हिदायत, अहकामात और इकदामात आप तक पहुंचाएं। हमारी अच्छी सेहत और तंदरुस्ती के लिए एक ऐसा ही कदम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया 21 जून 2015 को, और तब से लेकर आज तक हम बराबर इस दिन को जोशो खरोश से हर साल मनाते आ रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे के बतौर। और इस साल भी हम छठा इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 21 जून को। और ये जो दिन है, ये हम कोविड के पेश नजर कैसे मनाएंगे, इस हवाले से हम आज बात करेंगे और किस कदर हम खुद को इस कोविड से महफूज रखेंगे योगा की मदद से, इसकी अहमियत क्या होगी, इसकी अफादियत क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई है, शो की जीनत बढ़ा रही है डॉक्टर सुजाता, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं आयुष यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, अभी अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। आदाब जी, जानना चाहेंगे आपसे आगाज में आपके मंत्रालय के हवाले से, चूंकि शो का नाम भी यही है, हम अभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय का क्या रोल बन रहा है, इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ रहे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, जो ये सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे है, ये हम हर साल 21 जून मनाते हैं। बिल्कुल। तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय और डायरेक्टरेट ऑफ ISM, इन तीनों ने मिलकर एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्योंकि इस साल कोविड-19 के चलते हम कहीं पे एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने एक जूमिंग ऐप स्टार्ट की है, जिसके थ्रू हम थ्रू आउट इंडिया हम आपस में जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज कर सकते हैं। ठीक। ओवरऑल आयुष इस टाइम पे क्या कर रहा है कोविड से लड़ने के लिए? आयुष इस साल कोविड से लड़ने के लिए एक तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर बना, मतलब दे रहे हैं हम इम्यूनिटी बूस्टर, एक तो हम मेडिसिन देके भी दे रहे हैं और दूसरा एक योग है जो योगा के थ्रू इम्यून अपनी बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ा सकता है। बिल्कुल। इसमें हम बहुत सारे ये कर सकते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्वॉल्व, जो कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा सबसे अहमियत है, वो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। जी जी जी। इसमें एक चीज ये भी है जो आजकल पीएम मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने थ्रू मन की बात आजकल बोला है कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा अहमियत देनी है इस साल, क्योंकि इस साल हम एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि योगा फॉर कम्युनिटी एंड योगा फॉर यूनिटी एंड योगा फॉर इम्यूनिटी, तीन चीजें नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताई है। इसके चलते पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आजकल कोविड-19 से बचने के लिए हम क्या करेंगे। कोविड-19 से बचने के लिए हम जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इससे बचने के लिए हम घर में स्टार्ट कर सकते हैं योगा। इसके लिए हमें न बाहर जाना है न कहीं और जाना है, हम घर में बैठ के योगा आसनास कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है। ये घर में हर कोई कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये वो लोग कर सकते हैं जो जो आजकल डिजीजेस मतलब आम हो रही है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा या व्हाटएवर, जैसे थायराइड, इन सब के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। ठीक ठीक। मैं इसमें बोलना चाहूंगी, इसमें 5 आसनाज आते हैं। ओके। आसनाज मतलब कि जो हम करते हैं योगा में। ये मेरा आपसे दूसरा सवाल यही जाने वाला था कि इस वक्त जो है हमारी जो शो का थीम भी यही है, नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि योगा की क्या अफादियत है, क्या फवाइद है और किस कदर हम खुद को कोविड से बचा सकते हैं मदद लेके योगा की, वो आप तफसीलन बताएं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी जो योगा फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में 5 योगा के आसनाज आते हैं। इसमें है एक भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा आता है अनुलोम विलोम,
तीसरा आता है नाड़ी शोधन, चौथा आता है कपाल भाती और पांचवा श्वासन। ओके, ये पांच है जो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से दूर रख सकता है। ओके, ये सब करने से सो योगा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो हम ये प्राणायाम वगैरह बोलते हैं, मतलब अनुलोम विलोम, इसमें है हमें एक्सेल करना है फिर इनहेल करना है, जिससे हमें लंग्स को बूस्ट मिलता है। लंग्स मतलब इससे लंग्स ठीक रहते हैं। बिल्कुल, और जो ये मतलब आजकल के ये बीमारियां हैं इनसे हम निजात मिलता है। इसके चलते हम ये भी बोलेंगे कि योगा आसनाज जो कि हमें इस लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, योगा आसनाज वो जरूरी है। अगर आम आदमी ये योगा आसनाज नहीं जानता है, वो नॉर्मली सिटिंग पोस्चर में बैठ के भी इनहेल कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, जो कि नॉर्मली जो नॉर्मल एक ले मैन भी कर सकता है, इसमें ज्यादा ये जानने की ये नहीं है। बिल्कुल, नाउडेज हम बोल सकते हैं कि कमिंग टाइम में COVID-19 के चलते ज्यादा लॉकडाउन होने के भी चांसेस है, उसके चलते हम ये घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, हाँ, जिससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। जी, यानी कि ऐसा को मैंने कि योगा सा कंप्लीट पैकेज, इसका कंप्लीट पैकेज, हाँ, इस पानुपान पान हिफाजत में सा को थे वित एमनिश है कि हा को इस बजट बजट है तो बिल्कुल ये तंगा सो तो निश तन जानों कि अच्छे यम वरी कोविड छ चलान ये कन इंसान एक्सपोर्ट ऑफ फार्मो की इस काल सा जिंदगी हुन थी, इस काल सा नात का तो इलाज मेरे कि तदरुफ मेरे तो निश तो ये तन ये सवाल कि यस यम वरी थीम छ तथ मुतलिक वन तो कि थीम क्या छो तो बे कित कनत मनाओ उस यानी वरियो के योगा डे कित कन आसी ये बाकी योगा डे उनिस मुख्तलिफ कैच क्या छ उनके फिजिकल डिस्टेंसिंग हिंत ख्याल थावन अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग हिंत ख्याल थावन कित कनत रोजो वस महफूज ते कित कनत करो वस योगा ते ये वरियो थीम छ ऐसे योगा एट होम योगा विद फैमिली। ठीक, मतलब घर पे ही मनाओ और फैमिली के साथ मनाओ, इससे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगी और इससे मतलब इस बीमारी का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक, मतलब ये जो हैकअप इसके लिए अगर मतलब हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है थ्रू जूम ऐप, ओके, जूम ऐप में हम मतलब उन सबको जोड़ेंगे जो इसके साथ मतलब ये करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, तिमन हैकअप हिदायत दी कुछ पूछ चुका हूँ क्या चुका हूँ, वो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, यस ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आराम से कर सकते हैं, मतलब थ्रू ऑल, मतलब जो कहीं भी होगा, कश्मीर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है। ठीक, इसकी थीम यही है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ठीक, जूम एप्लीकेशन हूँ जिक्र करो तय तुश तो जानून कि ये जूम एप्लीकेशन मे गई डी जरूरत अच्छे पासवर्ड जरूरत सो कित तुम सोरे इंश्योर करा कि हर एक नश वा आई डी तो पासवर्ड करा तुम इस्तेमाल तो अस जुड़न सो मतलब जैसे मतलब हम चला रहे हैं हम जैसे हम आयुष मंत्रालय आयुष यूनिट जैसे हम एक एक डिस्ट्रिक्ट में है उस आयुष यूनिट के जो हेड होते हैं जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो जिनको जिनको वो मतलब इसके ऐप के जरिए जोड़ना चाहते हैं वो इनको अपनी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का करते हैं हम। ठीक, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को अपने साथ कनेक्ट किया है, जो कनेक्ट होना चाहता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वट एवर मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ठीक, अपने मोबाइल नंबर आईडी वगैरह देके वो जो हम जोड़ सकते हैं उनको और वो घर बैठे ये प्रोग्राम हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल, और हमारा एक डिमोन्स्ट्रेटर होता है जो कि आयुष यूनिट में है, हम वहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो उस ऐप के थ्रू देख सकते हैं और वैसे ही फॉलो करते हैं। अच्छा, यानी अच्छे भाजप के टीचर गुरु आसान ब्रोट कर अच्छा आसान सिर्फ ऑनलाइन आसान अच्छे ब्रोट कर फॉलो कर। ठीक, जानू ये सो तह नश यन कि ये तुम फरमो लॉकडाउन चलान जी वन धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, मगर वन हालात तीचा तीक कह क्या कोरोना वायरस वन तेतन ये सो तह नश ये जानून कि कित कनत करो इंश्योर कि स्ट्रेस लॉकडाउनस मन सोन जहनी थोड़ा दबाव बढ़ान या फिर गरस मन तेजर गुकन शरारत जल्दी खसान कित कनत करो योगा कित कन अत मज मदद करान ये मेडिटेशन वगैरह अमुक फर्क समझेत कित कनत ये अस मदद गार सबित सपदान कि करो पन सहनी दबाव कम तो रोजो वनकन किस माहौल मज या स्ट्रेसफुल माहौल मज तो रोजो खुश तो खुशहाल। अत मज हेक यह योगा एक पुरानी एक मतलब अभ्यास है जो एक साल पहले स्टार्ट हुई है, जो महर्षि पतंजलि ने स्टार्ट की है। ओके, महर्षि पतंजलि जो आयुर्वेदा के भी एक फाउंडर है, उन्होंने एक सूत्रा में ये डिस्क्राइब किया है। ठीक, उन्होंने बोला है अबाउट चित्त वित्त निरोध, मतलब कि जो मेंटल मतलब स्ट्रेस है उससे कैसे
बचा जा सकता है। और उन्होंने अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा, बिकॉज आई एम फ्रॉम आयुर्वेदिक साइड, आई विल टेल यू अबाउट आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा मतलब उन्होंने बोला है पर्ण आत्मनेन इंद्रियेन, मतलब इसमें होता है कि योगा और प्राणायाम करने से आप अपने इंद्रियाज को कैसे ठीक कर सकते हैं। इंद्रियाज, इंद्रियाज मींस मतलब एक ले मैं नहीं जान सकता कि ये क्या है, मैं ये बताना चाहूंगी कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को मतलब कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, हमें एक नॉस्ट्रल मतलब ऐसे हमें ये थ्री फिंगर्स है, हमें इससे हमें पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करना होता है, फिर हमें इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रल से, ऐसे डीप ब्रेथ लेके, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से भी बंद करना है, फिर वी हैव टू मतलब अच्छे से जो होल्ड करूं, हाँ, होल्ड करूं फॉर 5 मिनट्स, 5 सेकंड्स, देन वी हैव टू रिलीज विद लेफ्ट नॉस्ट्रल अगेन। ओके, मतलब यहां से जो खालूं पाछ या पर के वापस ये खोरी नाक वर्च खालूं दशनी तो राउंड वापस। ओके, ये कितने टाइम में स्ट्रेस करूं, हम ये रिपीट कर सकते हैं 10 बार। नाड़ी स्वेदन कपाल भाती बहुत सारे आते हैं इसमें। इसमें है कि हमें जो अनुलोम विलोम है उसमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है, मतलब इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल, फिर लास्ट ब्रेथ में हमें थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर जाके वो रिलीज करना है। उससे क्या होता है, हमारे लंग्स भी क्लियर होते हैं, उससे होता है हमें मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो होता है आजकल एंजाइटी वगैरह होता है उससे वो थोड़ा रिलीव हो जाता है। बिल्कुल, मेडिटेशन ले लो 10-15 मिनट, उससे वो रिलीव हो जाता है। ठीक, यानी कि इट्स बट कंपलसरी वी कैन बना या माहौल समझ जी, करो कंपलसरी। बिल्कुल, जहाँ पे ये सवाल मेरे जहन में जरूर आ रहा है कि इस वक्त जो है लॉकडाउन में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जो कोरोना वायरस से असरअंदाज हुए हैं, अगर हम उन पेशेंट्स की बात करें तिमन चो आसा मेंटल लेवल चो विंकेन तिमन तिमन चो तात लेवल पे सो कि तिमन चो विंकेन असर अंदाज से तिम तित कन गमत कि तिम चे विंकेन वारिया ज्यादा बांबरान, बेच जाहिर सी बात है अच्छे तित कन स्टिग्मेटाइज कोरमत कि अच्छे तिम बांबरावान कि ये खबर क्या दलील, जबकि उतना मसला है नहीं, इसे बस बचने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। वो जब असर अंदाज होते हैं तिमन चो स्ट्रेस लेवल वारिया ज्यादा आसा बढ़े उमत, तिम कित कन कारण सो स्ट्रेस लेवल पानो कम, तिम चे आइसोलेशन मस, तिम चे विंकेन क्वारंटीन मस, तिहंदि खातिर क्या हिदायत हुंदे तर। मम्मी की छुट्टी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। योग जीवन जीने का नियम और संयम, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें आजाद करता है ताकि हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैला सके। तो आए पूरी दुनिया में शांति और प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग अभ्यास शुरू करें। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बेस्ट योगा मतलब एक तो वो आइसोलेशन वार्ड में सेपरेट है, मतलब वहां का माहौल जो है वो उनके लिए मतलब ये योगा करने के लिए सूटेबल जगह है। उनको ये है कि तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन दी, तुम्हें थोड़ा सा बूस्ट करो कि आप ये आसना स्टार्ट करो, आप ये प्राणायाम वगैरह स्टार्ट करो, इससे आपको थोड़ा सा मेंटल शांति मिलेगी। मतलब एम सी थकन तुम पन्नीस पानस मज अंदर मतलब तुम अगर पन्नीस अख बूस्ट कर हेको कर अगर तुम प्राणायाम करन तुम करन मेडिटेशन करन तुम हे पन्नीस जाए बसित ना इस हेको ठीक गई जल्दी ठीक हो रहे हैं।
मतलब उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह ये है, क्योंकि वो सेपरेट रह रहे हैं, घर में हरी भरी में नहीं कर पाता है बंदा, तो वहाँ पे अच्छी तरह से वो कर पा रहे हैं। यानी कि ये मैं आसन चुत हुई इनके लिए, मतलब कि डिफरेंट आसनास भी है, आसन डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंशन पेशेंट के मुझे डिफरेंट आसनास आसन उनके लिए कुछ बता दीजिए। मतलब इसमें आता है हमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है हमें जो बेनिफिट्स मतलब आसनास के हैं, पोस्चर्स है वो कैसे होते हैं। इसमें पहला है हमें त्रिकोण आसना, जिसको बोलते हैं ट्राइंगुलर पोस्चर। मतलब ट्राइंगुलर पोस्चर में क्या होता है, जैसे हम बॉडी को मतलब ट्राइंगल जैसे शेप में बनाते हैं, उससे क्या होता है, एक तो बॉडी स्ट्रेसफुल मतलब ये हो जाती है, और ऊपर से अगर किसी को कोई डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, वो भी ठीक हो जाती है। दूसरा आता है वज्रासन, उसको हम बोलते हैं डायमंड पोज। डायमंड पोज होता है आफ्टर मील सडनली किसी पेशेंट को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कि उसने खाना खाया, जैसे कि आपने COVID-19 का ये किया जिक्र, उसमें पेशेंट्स अंदर ही रहते हैं, ना उनका कहीं वॉक वगैरह होता है ना कुछ, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है कंपेयर टू अदर, तो उनके लिए ये आसना सबसे बेस्ट है, जैसे मतलब वज्रासना। वज्रासना में उनको सीधे बैठना है सिटिंग मतलब पोजिशन में, उनको मतलब उसके एब्डोमेन के थ्रू ऐसे मतलब बैठना है इरेक्ट पोजिशन में, उससे वो ठीक हो जाता है। तीसरा आता है उसमें शवासना, शवासना बोलते हैं डेड मैन्स पोज, उसको हम अपनी आयुर्वेदिक लैंग्वेज में मृतासना भी बोलते हैं, जैसे कि डेड मैन डेड बॉडी लाइंग डाउन स्ट्रेटली मतलब ऑन फ्लोर, और ऐसे इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल 10 times, ये होता है शवासन। चौथा होता है भुजंगासन, भुजंगासन में होता है ये कोबरा का पोज है, कोबरा जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो इससे रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे अंदर बैठ के खाना खा के पेट बाहर निकलता है, उसके लिए बेस्ट है ये जो कोबरासना करेगा, मतलब कोबरा का पोज करेगा। तीसरा आता है इसमें वृक्षासना, जो ट्री का पोज है, जैसे पेड़ खड़ा है, यस। इसमें आता है सिक्स्थ वन इज ताड़ासना, ताड़ासना माउंटेन पोज है, माउंटेन जैसे पहाड़ जी। और इसमें सेवेंथ वन आता है उत्कासना, जैसे चेयर पे हम बैठे हैं, इसमें ये भी एक पोज है, ऐसे बैठना कि हमें है चेयर, एक्चुअल में चेयर नहीं होती है, वैसा करके पोज। उससे क्या होता है, जिसको घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो बेस्ट, मतलब इसके लिए मैं सोचा बैठे बैठे हमारा भी योगा हो गया, यस वो भी, मगर चेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट वन हाफ मून पोज, उसको बोलते हैं अर्ध त्रिकोटासना, ये होता है हाफ मून। हाफ मून कैसे होती है, चांद का आधा हिस्सा, जस्ट लाइक दैट, वैसे हमें बॉडी को बनाना है। मतलब लास्ट में मैं बोल सकती हूँ कि योगा इज वन ऑफ द होलिस्टिक थेरेपी। ठीक, अच्छा वन कैन वॉच मोर, डिप्रेशन लेवल्स काफी बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू ये आमदोहन मजबूत आसान। बच्चों की अगर हम बात करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अक्सर दिन भर होते थे स्कूल में, ट्यूशन में, उसके बाद स्कूल ये आसान बच्चन सिर्फ गिंदान, वनकन को सोरे सुबांध, वनकन तुम गैर आसान चिड़चिड़े हो गए हैं, तिमन कित कनेक्ट करो वैसे, चूंकि बच्चे तो योगा के ऐसे पोजेस नहीं कर पाएंगे, आसन नहीं कर पाएंगे, तिमन कित कनेक्ट करो वैसे, कित कन करो तुम इस गाइड तो तिंद खतर कम कम आसन छ तो थेमे के तिम बच्चों के लिए डिफरेंट आसनास कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब वो आसनास कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो बच्चे कहां मानेंगे, बिल्कुल मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। बट ये है पॉसिबल कि बच्चों के लिए घर में एक ऐसा माहौल बनाओ जिसमें उनको हम सुबह सवेरे मॉर्निंग में उठा के उनको बोलेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करो। अच्छा, वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, वो वहां भी खीखा खीखी करेंगे, बच्चों का तो ये है, इसमें कर सकते हैं, उनको बोलेंगे थोड़ा सा आप इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो, फिर इनहेल करो, फिर एक्सहेल, उससे उनकी थोड़ी जो मतलब बॉडी का जो मतलब वेट गेन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि बच्चे जब घर में बैठे खा के टीवी देख के ये हैबिट हो गया है बच्चों का, तो उससे थोड़ा वेट उनका कम हो जाएगा। वॉक पे ले सकते हैं उनको, मतलब योगा घर में, गेट के बाहर नहीं निकल सके, घर में ही थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग जैसे कराएंगे वो कर सकते हैं, बस क्या शक्तित आसन हम सिक्स इम्यूनिटी बूस्ट गेट्स। हाँ, बहुत सारे है इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, सबसे बेस्ट है इनके जो प्राणायाम है। हाँ, प्राणायाम से सबसे बेस्ट ये है इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि इससे लंग्स वगैरह हमारे रेस्पिरेटरी में आते हैं, ये 5 प्राणायाम आते हैं, ये सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमारे मतलब जो अंदर की ये मतलब इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। सो बेस्ट यही है जी। असिमो वन सेंस लाइफ स्टाइल उसको अश्वाई अमसमुद के जब हम इस टाइम पे लॉकडाउन में है, अच्छे सुबह वक्त थोड़ा चीर शाम से लेट शंगा, वारिया लोग से कंप्लेंट करना कि अच्छे इंसोमिया गुमत स्लीपिंग डिसऑर्डर से, तिहंद खतर क्या छु तुई क्या छु तिहंद खतर रिकमेंड करना, तिमन क्या पाजी यात हालतस मज करू।
آیرویدا چیز سوریہ بیدنا سوریہ نمسکار مطلب میں یہ بولنا چاہوں گی کہ مطلب ایک کمیونٹی ہے جیسے کہ میں بلانگ کرتی ہوں ہندو کمیونٹی سے, مسلمز بولیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ وہ سب نہیں ہے, آپ مت کرو سوریہ نمسکار, مگر مارننگ میں اٹھ کے اگر آپ مطلب اس کو دیکھ کے سورج کو دیکھ کے تھوڑا سا اس ٹائم وارم اپ کرو گے اپنی باڈی کو, وہ بھی ٹھیک ہے. وارم اپ ان دا سینس تھوڑی بہت ایکسرسائزز لیفٹ رائٹ, تھوڑا سا ایبڈومنل ایکسرسائز, تھوڑا سا لیگ ایکسرسائز, اس میں بھی وہ بھی آتا ہے سوریہ نمسکار میں. جو ہمارے آیوروید میں ہے سوریہ بیدنا سوریہ نمسکار, یہ سب سے بیسٹ ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے, سب سے بیسٹ ہے سلیپ لیس جس کو بولتے ہیں, جس کو نیند کم آتی ہے, انسومنیا وغیرہ, اس کے لیے بیسٹ ہے, کیونکہ مارننگ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم فار یوگا, وہ بھی ایمٹی اسٹامک. کوئی بولے گا کھانا کھا کے چائے پی کے میں جاؤں گا, دیٹس ناٹ, وہ مطلب ریکمینڈ نہیں ہے, ایمٹی اسٹامک سب سے بیسٹ ہے. بالکل بالکل, لائف اسٹائل چوائس میں تبدیل کروں, کووڈ روز میں علاج ٹھانڈو, لائف اسٹائل کت کن کرو چینج, کت کن کرو پنس روز مرہ کس کان کارس مز, کت کن کرو یوگا انکلوڈ, میڈیٹیشن انکلوڈ, سو اسکیڈیول کت کن بناو, یہ ضروری وی آز, کیونکہ لاک ڈاؤن یہ پتہ یہ روزا وتھا نہ پتہ کھی, مطلب یہ کنٹینیو کرنے خاطر اس گھس لائف پن چینج کریں کی, اس لائف ایز سچ جیسے چل رہی ہے ویسے بنانی ہے, مگر ڈیو ٹو دس لاک ڈاؤن اس بہن اندر, مطلب اس سے تو زیادہ ہوتی ہے, ایک تو مطلب مطلب ساری بیماریاں حملہ کرتی ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ انسان مطلب ایک ڈپریشن میں آ جاتا ہے, میں چھن کہاں کام دن بھر بیٹھا, مطلب کسی گھر میں صرف لوگوں کے ساتھ ادھر کی بات ادھر کی بات, وہ اس سے تو تھوڑا ہو جاتا ہے انسان ڈپریشن میں. بالکل, اس کے لیے ہمیں ایک یوگا بنانی ہے, ڈیلی روٹین, صبح اٹھ کے یہ یوگا کرنا ہی کرنا ہے, یہ ڈیلی روٹین بنانی ہے, پرانایام ہمیں ڈیلی روٹین میں ڈالنی ہے, مطلب نہ جیسے ہم میں بول رہی ہوں باستکا, ناڈی سویدن, یہ سارا ہمیں ڈیلی روٹین میں ڈالنا ہے, میڈیٹیشن کرنا ہے, پرانایام کرنا ہے, انہیلنگ ایکسیلنگ, صبح مارننگ میں فریش ایئر ہوتا ہے وہ انہیل کر کے پھر ایکزیل کر کے, یہ چھ مارننگ اس میں ضروری بناونا ڈے ٹو ڈے لائف اور کووڈ 19 کے لیے ضروری ہے. ٹھیک, اس چھن کن حالانکہ کام کارس درائے اس اس دت چھن کن ڈیل کن لاک ڈاؤن تہ چلا, مگر ڈسٹینس تہ چھ اس کن برابر مینٹین کران تہ کرن تہ پیس بے فیوچرس مز تہ پیس سو چھ بہتر سائن خطر, یہ تہ سو تہ نہیں جانوں کہ ونکن چھ کووڈ سلسلہ چھ بدستور جاری, کت کنت چھ تہ فرمو آغاز اس مز تہ کہ اس چھ واریاہ تم لوک وچھمت کہ یم ات ریلیجس اس مز چھ تھوڑا ریلیجن پرسپیکٹو چھ نیوان, تم چھ ونا کہ چھ مذہب اس مز تھوڑا سا مداخلت گژھا, یہ چھ کن پرٹیکولر مذہب آسن وغیرہ, کت کن تھی باقی لکن تہ ریکمینڈ کران کہ ان کے مذہب میں بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے, ساتھ ہی کچھ ایسے آسن جو ہر ایک مذہب کے لوگ کر سکتے ہیں, تمہن گھسن کانفلکٹ گھسن کے. دیکھیں میں بتاؤں گی کہ یہ چھو مطلب مسلم مذہب میں میں بول سکتی ہوں, آدھے بولتے ہیں کہ یہ کرنا گناہ ہے, اس میں گناہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اگر انسان اپنی باڈی کو مطلب پرفیکٹ رکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک ڈیلی روٹین میں ڈالنا ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی بولے گا کہ یہ سچو یہ مطلب آپ کے جو نماز کے پوسچرز ہیں میں اتنا جانتی نہیں ہوں اس کے بارے میں, مگر پھر بھی یہ تو ریلیٹڈ ہے اسی کے ساتھ, اب بول سکتے ہیں کہ لیڈیز کے لیے, لیڈیز مطلب گھر میں بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے اس کو کون دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ پردے میں رہتی ہے یا کچھ رہتی ہے, وہ اندر جا کے یہ مطلب سٹارٹ کر سکتی ہے یوگ, ڈفرنٹ پوسچر جو اس کو آتا ہے, اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم میں نے بولا ابھی سوریہ نمسکار سوریہ بیدنا وہ نہ کرے, وہ کسی اور مذہب کا ہے وہ نہ کرے, وہ سکپ کرے, باقی جو ہے وہ تو آرام سے کر سکتا ہے, مشن باسن اکمن چھکا مطلب پرابلم کسی دوسرے مذہب کو کرنے کے لیے اس میں کوئی پرابلم ہے, اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین, پت چھو مطلب دوسری بات ہے کہ کوئی دوسرا بول سکتا ہے. بالکل ٹھیک, سانن حاملہ خواتین خطرے کیا بنے ہوتے ہیں؟ ہاں حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ ایک بیسٹ ہے, مگر ان کے لیے ڈفرنٹ ہے, مطلب کہ تم ہیکن ساری ایکسرسائز کرت کہین تہ, تم ہیکن نارملی بہت سٹنگ پوزیشن مز, تم ہیکن نارملی میڈیٹیشن کرت, تم ہیکن انہیل ایکسیل کرت, تم ہیکن پرانایام کرت, تم ہیکن کپال باتی کرت, کپال باتی چھ آسان مطلب شاہ تراون شاہ کھالن, مطلب جلدی جلدی ودن سیکنڈز ہمیں کرنا پڑتا ہے 10 ٹائمز, مطلب ایسے کرنا پڑتا ہے جس سے کہ ہمیں ابڈومنل مسلز میں زیادہ یہ نہیں ہو, مطلب حاملہ خواتین وہ کر سکتے ہیں مگر آہستہ آہستہ, ان کے لیے ویسا سارا ریکمینڈ ہے, جو یہ میں نے آپ کو بولے پوسچر جیسے کہ آسناز میں نے بولا وہ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں زیادہ فزیکل اور مطلب فزیکل ایکسرسائز ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. جی بالکل, ہم نے حاملہ خواتین کی بات کی, ہم نے بچوں کی بات کی, جوانوں کی بات کی, بزرگوں کو ہم نہیں بھول سکتے, ان کے لیے کیا کچھ ہے؟
बुजुर्गों के लिए तो मतलब वैसी एक्सरसाइजेस है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि तिमन छू आश्वासन घुटने की प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा ये हो गया है, तो इसमें ये मैं बोल सकती हूँ कि योगा में भी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर ओल्डर एंड अडल्ट पीपल्स, मतलब यमन गुड़न खतरे बिकॉज विद क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन सच एज डायबिटीज हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज यमन खतरे सारे खुद बेस्ट है यमन बुजुर्गन कोठन दौद आ तुम हेकन कुर्सी पे बिहत मे हो तुम वो मतलब ये कस यह तथा वन उत्काट सना चेयर बैठ के हम पोज कर सकते हैं, तुम हेकन चेयर पे आराम सान अपने लेग्स फ्लैक्स कर सकते हैं गिंदान गिंदान तुम हेकन मतलब नॉर्मली सुबह बैठ के नारि हेकन ओर योर कर लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं, तुम हेकन इनहेल कर एक्सहेल कर प्रॉपरली बुढ़न चन अपन कह मतलब प्रॉब्लम एक बोल सकती हूँ एक रामबान बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस की अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों का जैसे हमने आगाज में भी इस चीज का जिक्र किया था कि अवेयरनेस चंतीजा किया लोग शायद क्या बदल तरीके निवारिया किया, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे आप क्या कुछ कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, उनमें बेदारी पैदा करने के लिए। लोग इसमें लेते हैं अदरवाइज बिकॉज यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्यादा ये बोलते हैं कि ये आयुर्वेद है एक ये हिंदुओं के लिए है ना मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता है। हम अवेयर कर ले हैं लोगों को कि आप योगा स्टार्ट करो कंपेयर टू मतलब बाहर स्टेट्स के, कश्मीर में कम है ठीक योगा की प्रैक्टिसेस यहाँ कम है, डे टू डे लाइफ में लोगों ने उतना स्टार्ट नहीं किया है जितना बाहर कर रहे हैं, मतलब उससे एक तो ये एल्डर जो एजिंग है ये थोड़ा डिले भी हो सकती है अगर आप योगा स्टार्ट करेंगे मतलब पहले से ही, इसकी एज भी डिले हो सकती है मतलब घसने बुढ़ चुका उसमें मगर थोड़ा सा डिले हो सकती है वो स्टार्ट करना, मतलब यही अवेयरनेस हम दे रहे हैं लोगों को। हम लोगों को बोल रहे हैं इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप सच एंड सच ये कीजिए इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप फिट रहेंगे फिजिकली भी मेंटली भी बिल्कुल और आपका बिहेवियर भी वैसा रहेगा यू मतलब आप ऐसा मतलब ट्रस्ट नहीं कि ऐसा करने से आपका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है ठीक। योगा स्टार्ट कीजिए आपके मिजाज में तब्दीली आ जाती मिजाज यस एग्जैक्टली इसमें तब्दीली आ सकती है जी। हमने कोशिश की हम सारे सवाल आपसे पूछे, आपको लगता है कुछ रह गया जो हमारे नाजरीन तक पहुंचना चाहिए? नहीं इसमें क्या बोल सकती हूँ मैं कि नाजरीन को ये बताना चाहती हूँ इसमें जो बेनिफिट्स ऑफ योगा मैं बोलना चाहती हूँ इसमें है कि ये हर कोई चीज ठीक कर सकता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम हर कोई सिस्टम ये ठीक कर सकता है बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी थेरेपी साइड इफेक्ट व्हाटएवर कुछ भी नहीं है, ये रिलैक्सली होके घर में कर सकते हो, ये बहुत इजी है घर में स्टार्ट करो दैट्स ऑल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तशरीफ आवरी के लिए, बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला और हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये लास्ट में बताना चाहती हूँ जी इन लास्ट आई वुड लाइक टू अबाउट आयुष मंत्रालय, दैट इज आयुष वेलनेस प्रोजेक्ट आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट किया है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्टार्ट किया हर किसी आयुष सेंटर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। हमारे कश्मीर में 19 वेलनेस सेंटर्स दिए हैं, जम्मू में 19 वेलनेस सेंटर्स है, उन वेलनेस सेंटर्स में हम ये कोशिश है हमारी कि हर किसी मतलब जो गाँव में बेचारा दूर दराज लोग रहते हैं उनको भी ये पता चले कि ये क्या है ठीक। हाँ उसके लिए हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि योगा आप जरूर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।